हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं श्रीनाथ और आप देख रहे हैं जी रॉयल वर्क। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीएस सिस्टम के बारे में। यहीं पे हमारे पास एक क्लासिक 350 सीसी डबल डिस्क एबीएस और इसमें एबीएस सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रही है। अब गाइस, एबीएस सिस्टम में क्या होता है, जब भी इग्निशन हम ऑन करते हैं तब यहीं पे आप देख सकते हो एबीएस की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है और बाइक रनिंग हो जाने के बाद में लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो ये जो बुलेट है वो रनिंग होने के बाद भी एबीएस की जो लाइट है वो बंद नहीं हो रही है, यानी कि इस एबीएस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइस, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। तो गाइस, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना है फ्यूज बॉक्स इसका। तो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड टूल बॉक्स में इसका फ्यूज बॉक्स रहेगा, आप देख सकते हो यहीं पे इसी टाइप का कुछ फ्यूज बॉक्स रहता है। गाइस, इसमें आप देख सकते हो यहीं पे लिखा है एबीएस इग्निशन और सेकंड जो है वो एबीएस मेन 2 10 एम्पियर का है और एबीएस मेन 1 15 एम्पियर का फ्यूज है। तो गाइस, सबसे पहले ये तीनों फ्यूज को हम चेक कर लेंगे। यहीं पे सबसे पहले 5 एम्पियर का जो फ्यूज है उसको चेक करते हैं। तो गाइस, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे आप देख सकते हो इसमें इसकी जो बीच की लेयर है वो सही रहनी चाहिए, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं रहता है। और बाद में 10 एम्पियर का फ्यूज जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस, वो भी सही है, आप देख सकते हो यहीं पे दोनों साइड से। तो इसको भी वापस हम लगा देंगे और उसके बाद में यहीं पे 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ है इसको चेक करते हैं। तो फाइनली ये फ्यूज़ भी सही है, इसकी लेयर भी अभी सही है, फ्यूज़ अच्छा ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, फाइनली फ्यूज़ बॉक्स हमारा सही है और उसके बाद में हमें चेक करना है इसकी तार वगैरह कहीं से कटी हुई नहीं है न। तो गाइज़, यहीं पर आप देख सकते हो फाइनली मैंने चेक किया है, जैसे कि इसकी तार जो है वो एबीएस वाली, यहीं पे आप देख सकते हो ये वाली एबीएस वाली तार है वो सही है, पूरी अंदर तक सही है। तो गाइज़, उसके बाद में हमें चेक करना है यहीं पे जो एबीएस की डिस्क जो है उसको चेक करना है। एबीएस की डिस्क और उसका सेंसर के बीच में थोड़ा सा गेप रहना चाहिए। तो गाइज़, यहीं पर आप देख सकते हो ये जो लेसर पाना है उसकी हेल्प से मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये जो गेप है वो सही है। अब गाइज, कभी कभी क्या होता है, इसकी ब्रेक जो है वो लग नहीं पाती है, ब्रेक पूरी टाइट हो जाती है, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है एबीएस सिस्टम में। इसका जो सेंसर है उसमें भी गैप नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एबीएस की डिस्क भी बिल्कुल सही है, वो भी टेढ़ी नहीं है, अगर वो भी टेढ़ी रहती है तो भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, पीछे की साइड में एबीएस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, उसका तार भी यहीं से सभी जगह से सही है। अभी हम देखते हैं यहीं पे आगे में भी आप देख सकते हो ये वाला तार है वो एबीएस का तार है, देख सकते हो ये वाला तार जो है वो एबीएस का है, वो भी कहीं से कटा हुआ रहेगा तब भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो गाइज, ये भी फाइनली सही है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं आगे की जो एबीएस डिस्क है उसको चेक करते हैं। तो गाइज, यहीं पे आप देख सकते हो एबीएस की जो डिस्क है वो पूरी टेढ़ी हो रही है, आप देख सकते हो ऐसे वैसे हो रही है, तो इसका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, आप देख सकते हो गाइज ऐसे ऐसे हो रही है एबीएस की डिस्क, तो उसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। गाइज, फटाफट आगे का चक्का करते हैं ओपन और उसका बेयरिंग वगैरह अलाइनमेंट उसका देखते हैं और ये जो डिस्क है उसको करते हैं थ्रू और करते हैं फिटिंग इसको। देख सकते हो इसका सेंसर से इसकी डिस्क जो है उसमें कितना ज़्यादा गैप है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रहना चाहिए और बहुत कम भी गैप नहीं रहना चाहिए। चक्का ओपन कर लिया है और यहीं पे आप देख सकते हो ये है एबीएस की डिस्क, इसमें 4 एलन की बोल्ट रहे थे, इसको ओपन करके डिस्क को करते हैं सही। तो गाइज, फाइनली डिस्क को हमने ओपन कर लिया है और यहीं पे आप देख सकते हो इसकी हालत, ये बिल्कुल थ्रू रहनी चाहिए बट ये पूरी टेढ़ी हो चुकी है। अब गाइज, इसमें क्या हुआ होगा, ये डिस्क ऐसे ही तो ऐसी टेढ़ी नहीं हो सकती है क्योंकि डिस्क जो है वो अंदर की साइड रहती है, बट किसी ने टेढ़ी की होगी क्योंकि कभी कभी क्या प्रॉब्लम आता है, ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो पूरी जाम हो जाती है, ब्रेक आगे की लग ही नहीं पाती है एबीएस की वजह से। तो ऐसे में किसी ने ऐसे तरह टेढ़ी करके एबीएस को बंद कर दिया होगा। तो दोस्तों, फटाफट करते हैं इसको सही और लगाते हैं फिटिंग करते हैं व्हील को। तो दोस्तों, फाइनली व्हील जो है उसको फिटिंग कर दिया है और यहीं पे आप देख सकते हो डिस्क जो है वो हमारी बिल्कुल थ्रू हो चुकी है, आप देख सकते हो यहीं पे जो सेंसर है इसके और डिस्क के बीच में इतना गैप रहना चाहिए, यहीं से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी एबीएस वर्क नहीं करेगा और कम रहेगा तो भी एबीएस का वर्क नहीं करेगा।
तो दोस्तों फाइनली हम देखते हैं ABS सिस्टम हमारी वर्क कर रही है कि नहीं। यहीं पे आप देख सकते हो ABS की लाइट जो है वो जल रही है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं थोड़ी, फिर देखते हैं लाइट बंद हो रही है कि नहीं। तो गाइस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और बाइक बुलेट जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, बाद में जो ABS की लाइट है वो जो बंद हो जाएगी। यहीं पे आप देख सकते हो लाइट जो है वो हमारी बंद हो चुकी है गाइस। फाइनली ABS जो है वो काम कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम था वो हमारा वो डिस्क में ही था। ABS की डिस्क जो है वो थ्रू नहीं थी, उसी में ही प्रॉब्लम था हमारा। यहीं पे आप देख सकते हो ABS की जो लाइट है वो ऑफ हो चुकी है, यानी कि हमारी ABS सिस्टम जो है वो वर्क कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ABS सिस्टम जो है वो हमारी सही से वर्क करने लगी है। कभी कभी ABS सिस्टम में क्या होता है, आप जितनी भी ब्रेक लगा लो फिर भी ब्रेक लगती ही नहीं है, पूरी ऐसे टाइट हो जाती है, पूरी टाइट हो जाती है, ब्रेक लग ही नहीं पाती। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों प्रॉब्लम छोटा सा ही होता है, बट उसका सॉल्यूशन सही से निकालना पड़ता है। कोई भी सिस्टम हो उसका अगर आपको सही से नॉलेज है तो आप उसको सही से यूज़ कर पाओगे, बट अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। और तो ABS सिस्टम में चार पाँच चीज़ का ही ख्याल रखना है। एक तो इसका फ्यूज चेक करना है, इसका वायर कहीं से भी कटा हुआ नहीं है वो चेक करना है, और इसकी जो डिस्क है और उसके सेंसर के बीच में कितना गैप रहना चाहिए वो हमें चेक करना है, और उसकी डिस्क की थ्रू है वो भी हमें चेक करना चाहिए। तो इतनी चीज अगर सही है तो ABS सिस्टम में ज्यादातर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी शॉप यहीं पे सूरत में है, गुजरात में। अगर आप यहीं कहीं के रहने वाले हो तो हमारी शॉप पे आ सकते हो। यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।